लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अंदर भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आज पार्टी कार्यालय पर तमाम प्रवक्ताओं को बुलाया गया है और रणनीति पर चर्चा किया गया कि किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरना है और किन किन मुद्दों पर बोलना है और किन मुद्दों पर नहीं बोलना है, क्योंकि कई धार्मिक मुद्दे हैं जिन पर लगातार समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो कई बार बचने की कोशिश करते रहे। और ऐसे में चाहे वो UCC का मुद्दा हो, चाहे वो ज्ञानवापी का मुद्दा हो, चाहे वो मथुरा का मुद्दा हो, इस तरह के तमाम जो धार्मिक मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों पर चर्चा नहीं करने की राय दी जाएगी। साथ ही जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरना है, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो चैनलों के माध्यम से और सोशल मीडिया के पार्टी के प्रवक्ता वो अपनी बातों को रखते हैं, पार्टी का पक्ष रखते हैं, तो ऐसे में पार्टी की छवि भी न खराब हो, साथ ही पार्टी पे उन मुद्दों पर चर्चा किया जाए जो जनहित की हो। और इसी को लेकर पार्टी कार्यालय के बाहर अब धीरे धीरे एक एक करके जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो पार्टी के जो पैनलिस्ट हैं, वो अब आ रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि उनके अंदर एक जो जोश उत्साह भी दिख रहा है, क्योंकि लगातार जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो चुका है और किस रणनीति पर वो काम करना है उसका भी एक फीडबैक देंगे कि किस तरीके का माहौल है, लोगों के बीच में जो वो बात रखते हैं तो उसका क्या फीडबैक आता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर चर्चा किया जाएगा। भाई आज एक बैठक बुलाई गई है, क्या बैठक में होने वाला है, कौन कौन लोग बैठक में शामिल होंगे? देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लगातार संगठन की जो सेक्टर प्रभारी बने हैं, जोन प्रभारी बने हैं और नेता हैं, लगातार अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। 2024 चुनाव की तैयारी है, उसी की रणनीति है और उसी को लेकर के आज भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और जो लोग एक्टिव लोग हैं उनको सबको मीटिंग बुलाई। क्या ये भी कहा जा रहा है कि जो धार्मिक मुद्दे हैं उसको लेकर भी चर्चा किया जाएगा कि PDA जो अब नया बना हुआ है और उसकी? अब ये तो मीटिंग में तय होगा, लेकिन हम केवल ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी अपने लक्ष्य पर, अपने मुद्दों पर, भारतीय जनता पार्टी को देश के असल मुद्दों से भटकने नहीं देंगे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पिछड़े, दलित, मुसलमानों का हक अधिकार, उसी की बात होगी, रोजगार की बात होगी। इसलिए भैया कल जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का ज्ञानवापी को लेकर बयान आया, क्या कहना चाहेंगे? हम कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान मणिपुर पर क्यों नहीं आया अभी तक? माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान महंगाई पर क्यों नहीं आ रहा? टमाटर पर क्यों नहीं आया? माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान मेरठ की घटना पर क्यों नहीं आया? तो ये इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी इनको असल मुद्दों पर लेकर के आएगी। 7 तारीख से सदन की शुरुआत हो रही है, क्या मुद्दे होंगे इस बार समाजवादी पार्टी को विपक्ष सत्ताधारी पार्टी घेरने का? देखिए समाजवादी पार्टी सड़क पर भी बीजेपी को घेर रही है, सदन में भी बीजेपी को घेरेगी। अब बीजेपी से पूछेगी कि आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार बताए कि कितना इन्वेस्ट आ गया उत्तर, रोजगार मिल गए हैं, सड़कें क्यों धस रही हैं, क्यों एक्सप्रेसवे टूट रहे हैं, क्यों पोस्टिंग में दलाली हो रही है, क्यों भ्रष्टाचार हो रहा है। मुझे लगता है जब वो सदन चलेगा तो जैसे दिल्ली के लोग भागे फिर रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, यूपी वाले उनकी तेजी से, उससे भी तेजी से भागते नजर आएंगे। जो एक नया गठबंधन हुआ है यानी कि इंडिया, और इंडिया के अंदर जो तमाम पार्टियां शामिल हुई हैं उनको किस तरीके से लेना है, उनको किस तरीके से डिफेंड करना है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा, क्योंकि एक नया गठबंधन बना है। और साथ ही इससे पहले, गठबंधन से पहले ही अखिलेश यादव ने एक नया नारा दिया था PDA, तो PDA को लेकर किस तरीके से रहेगी, जो उनकी अपनी एक रणनीति है कि PDA ने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, उस पर किस तरीके से काम करना, उस पर किस तरीके से बातचीत करना है। साथ ही कानून व्यवस्था की मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर प्रमुखता से बात को रखना है और सरकार से और इन सब चीज़ों पर पूछना है, तो इसी तमाम चीज़ों को लेकर दिशा निर्देश अखिलेश यादव आज देंगे। और आज इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ।